सो हाय एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप CGBSE नर्सिंग का सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आ चुका है, तो आप किस प्रकार से अपने देख सकते हैं एंड आपका नाम जो है किस प्रकार से आया है या नहीं उसके बारे में जानेंगे, और कंपेयर करेंगे कि जो फर्स्ट लिस्ट आया था और सेकेंड लिस्ट आया था उसमें डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन लोगों को नाम यहाँ पर आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर CGDME की वेबसाइट पर आना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने दिखेगा एंड यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सभी चीज़ों के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है GNM के बारे में दिया हुआ है, जो कि भी बताएंगे हम आपको। अभी BSc नर्सिंग हम देखते हैं जो कि आज ही आया है, आज ही की डेट में, अभी कुछ देर पहले आया है। तो हम जैसे मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर मोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं यहाँ पर अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। तो अटैचमेंट पर क्लिक करने के बाद तो आपके सामने इस प्रकार से PDF खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर दिनांक, यहाँ पर 8 तारीख, मतलब आज ही आया है ये काउंसलिंग। जो है पहले काउंसलिंग हुआ था उसी के बेस पर जो है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी हुआ है। जो लोग फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिए थे उन्हीं लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। एंड स्क्रूटनी क्या होती है, स्क्रूटनी करवाने के बाद भी आपका नाम नहीं आया या फिर आया है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए आप। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय ऑनलाइन BSc नर्सिंग काउंसलिंग अबंडन प्रवेश दिया है और इस प्रकार नोटिफिकेशन दिया है जैसे आपके फर्स्ट काउंसलिंग में दिया था। एंड यहाँ पर आपके सामने दिया है स्क्रूटनी के बारे में, जैसे आपका डेट है 9 तारीख से लेकर यहाँ तक, से लेकर 14 तारीख तक आपका यहाँ पर डेट दिया गया है। उसी पर प्रवेश में जो आवंटन की जो प्रवेश लेने की तिथि है वो आपका 9 से लेकर 15 तक है, बीच में है, ठीक है। तो स्क्रूटनी आप करवा सकते हैं, स्क्रूटनी जरूरी है करवाना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और दोबारा भी पढ़ लीजिएगा जो नए पढ़े हैं। अब जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिक्त सीट है, जैसे भी खाली सीट है, उसमें क्या हुआ, BSc नर्सिंग के जो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि BSc नर्सिंग में प्रवेश लेने के लिए क्या हुआ, जो प्रथम मतलब जो अलॉट हुआ था सीट, जो प्रवेश सीट हुआ, उसमें क्या हुआ परिवर्तन किया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो नए नए संस्था थे वो जुड़े हुए हैं फिर से, तो जुड़ेंगे तो सीट तो बढ़ेगी, तो सीट तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पर उसी में परिवर्तन किया गया है सीटों में, जो कि 2019 के नियम के अनुसार, 10वें नियम के अनुसार वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब सामने आप फ्रंट पर यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है शासकीय संस्था। शासकीय संस्था मतलब यहाँ पर जो शासकीय जितने भी हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है रायपुर के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायगढ़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एंड उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर दिया है जगदलपुर, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपका बिलासपुर दिया हुआ है, उसी के बाद यहाँ पर क्या दिया है तो राजनंदगांव। तो इन जो है 6 यहाँ पर दिया हुआ है, 6 कॉलेजेस जो कि शासकीय है, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट के लिए यहाँ पर क्या हुआ है परिवर्तन किया गया है सीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिक्त सीटों की संख्या जो बताया गया है यहाँ पर 1111 दिया हुआ है यहाँ पर सभी में, तो एक एक सीट जो है खाली है। और सीटों के प्रकार मतलब कौन कौन सा सीट किस प्रकार के सीट बचे हैं, जैसे यहाँ पर UR के लिए है, PH के लिए मतलब हैंडीकैप के लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए है यहाँ पर दिया हुआ है, PH के लिए, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर ST फीमेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और जो चेंज किया गया है सीट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इतना सीट दिया गया है, ठीक है, सीट है और उस सीट में कैटेगरी दिया हुआ है, सीटों के प्रकार को यहाँ पर दिया गया है। अब इस सीट को जो प्रकार दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें परिवर्तन करके यहाँ पर आपका शो किया है, यहाँ पर आपका जो मेन सीट दिया गया है। तो इसको आप जब देखेंगे तो समझ में आने लगेगा हर चीज़, ठीक है, आपको समझ जाएंगे। अब जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर यहाँ पर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट संस्था जो आपको मिलेंगे, जो कि यहाँ पर सीट जो है खाली बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सीट जो है प्राइवेट के लिए भी यहाँ पर सीट जो है अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाइड साइन भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो नेक्स्ट पेज में जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर भी आपको शो करेगा यहाँ पर जो है दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सीट का नाम है MGMT ST SP NC, ये सभी चीज़ों का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप सबके लिए बहुत ही क्लियर बताया हूँ, ठीक है। तो MG से जिसे माइग्रेट वगैरह होते हैं, जैसे दूसरे राज्य से आते हैं, तो उनको केवल क्या है
प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा उनको, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, निजी कॉलेज है जिससे बोला जाता है, तो उसमें सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं। जैसे जनरल का अगर कट ऑफ रैंक नहीं है उतना तो आएगा ही, एंड उसके बाद माइग्रेट अगर जैसे दूसरे राज्य से आते हैं उनको मिलेगा, और जितने भी बॉयस हैं उनको क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारी संख्याओं को देख लीजिएगा आप, यहाँ पर सीट की संख्या जो दिया गया है, एंड उसके बाद जो यहाँ पर सीट जो दिया हुआ है, यहाँ पर सीट जो है दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, उसका परिवर्तन करके यहाँ पर जो है न्यू बनाया गया है उसको, मतलब इसमें चेंज कर दिया गया है। जैसे कोई सीट को चेंज कर दिया गया है, सभी सीट को नहीं किया गया है, लेकिन कोई कोई चेंज सीट क्या है, कोई कोई सीट को चेंज करके एग्जैक्टली दे दिया गया है उसी प्रकार। तो इस चीज़ को आप समझ गए, एंड उसके बाद जैसे इस चीज़ को समझ गए और नीचे जाएंगे, तो नीचे भी आपको उसी पर दिया हुआ है कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो सीट है उसमें परिवर्तन करके नए नए सीट को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर सारा चीज़ शो कर दे रहा है, दिखा दे रहा है कि हमें कितना सीट बचा है और किस किस प्रकार के सीट हैं, तो उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हैं, सरकारी कॉलेज भी देख सकते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको दिख रहा है, सब चीज़ शो कर लिए, एंड यहाँ पर से आपका जो है सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट शुरू होता है, यहाँ से आपका नाम शुरू होता है, जिस पर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नाम है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम है, जेंडर कैटेगरी वगैरह है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस किस प्रकार से देखना रहता है सबको, तो उसको भी आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से, तो उसको भी आप देख सकते हैं किस किस प्रकार से बताया था मैं। तो यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी को आप देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अलॉटेड कैटेगरी किस किस को क्या मिला है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर शो कर रहा है आपको, यहाँ भी गवर्नमेंट कर रहा है, यहाँ भी गवर्नमेंट कर रहा है, शॉर्ट सीट शो कर रहे हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट सीट शो कर रहे हैं। तो इसी को आप चेक कीजिए, जब आप देखेंगे सामने, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी, जैसे कोई भी आप जनरल हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो है जिससे भी हैं, तो आपको जो है जो कैटेगरी अलॉट हुआ है जिसके बेस पर आपको कॉलेज मिला है वो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, और व्यापम परसेंटाइल को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने परसेंटाइल पर आपको मिला हुआ है कॉलेज, एंड व्यापम रैंक भी देख सकते हैं, योर मेरिट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड मतलब जो कॉलेज जैसे जिनको मिल चुका था कॉलेज, वो क्या किए हैं, अपग्रेड किए हैं कॉलेज को, अपग्रेड करके यहाँ पर उनका जो है यहाँ पर रिमार्क में शो कर रहे हैं यहाँ पर। और जो फ्रेशर हैं, जैसे उनका जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम नहीं आया था, तो उनका भी क्या हुआ है, सेकेंड अलॉटमेंट में लिस्ट में नाम आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 पेज का ऑलमोस्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मिलाकर, नोटिफिकेशन वगैरह सबको। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 282 मतलब 282 लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में, जो सभी प्रकार के लोग हैं कैटेगरी, उसमें ओबीसी हैं, एसटी हैं, जो माइग्रेट हैं वो भी हैं, जो दूसरे राज्य से आए हैं वो भी हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो पीएच है, एफ है, सब के लिए है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट को पहले देख लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा आप सभी को। एंड अपना अलॉटमेंट लिस्ट को देखिए, अगर नहीं अगर करना है आपको तो जाकर आप कॉलेज में स्क्रूटनी करवा सकते हैं, ताकि आप जो है नेक्स्ट अलॉटेड का लिस्ट का शेड्यूल जो है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पहले देखिए इसको, इस लिस्ट को अच्छे से एक बार चेक करें आप। ठीक है, एंड आपको क्लियरली पता चल जाएगा हर चीज़, जैसा आप पिछली बार के लिस्ट में देख सकते हैं कि इस किस प्रकार के यहाँ पर अलॉट हुआ था। सो इसको पहले आप देखिए, अच्छे से चेक कीजिए, किसी प्रकार और भी कन्फ्यूजन है तो बताइए कमेंट करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।